धमतरी जिले में पुलिस ने नशीली टेबलेट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसी के तहत डीएसपी नेहा पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों और नशीली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत मुखबिर से सूचना मिली थी कि आमा तालाब रोड तालाब के पास एक व्यक्ति अवैधनिक रूप से प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल का बिक्री कर रहा है। ऐसी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी गौतम राजपूत को पकड़ा गया। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि आरोपी गौतम राजपूत के पास 117 नग टैबलेट और नकदी रकम को जब्त कर नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में लगातार धमतरी पुलिस के द्वारा अवैध गांजा और जो नशीली दवाइयाँ उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के तारतम्य में मुखबिर से सूचना मिली कि कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आमा तालाब में गोलू नाम का, जिसका नाम पूरा नाम है गौतम राजपूत, उसके द्वारा नशीली दवाइयों का बिक्री किया जा रहा है। तो रेड की कार्रवाई की गई और उसके हाथों से जो है वो लगभग 117 नग जो गोली है वो जब्त किया गया है। सूचना के दौरान जो है पूछताछ के दौरान उनसे और कुछ कार्रवाई अगर पता चलता है कि जिसके द्वारा दवाई लाता जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।